नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। प्रदेश के आर्थिक कहे जाने वाले शहर इंदौर में कांग्रेस ने एक बार फिर मैदान संभाल लिया है। दरअसल इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार सहित 10 मांगों को लेकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ने नगर निगम के बाहर विशाल धरना दिया, जिसमें कांग्रेस द्वारा एकजुटता का संदेश भी दिया गया। कांग्रेस के निगम के धरने प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी सहित इंदौर शहर के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। धरने के माध्यम से कांग्रेस ने नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ तो कांग्रेस लगातार विरोध स्वरूप सड़कों पर उतरेगी। दरअसल इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार, कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव, पीली गैंग का आतंक सहित 10 मांगों को लेकर कांग्रेस पार्षद दल द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इंदौर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। चौकसे ने बताया कि इंदौर शहर में नगर निगम अधिकारी लगातार मनमानी कर रहे हैं, जबकि शहर में स्ट्रीट लाइट, चैम्बर, LED लाइट, पानी टैंकर और अन्य समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं निगम अधिकारी कांग्रेस पार्षदों के साथ भेदभाव कर उनके क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों को भी नजरअंदाज कर रही हैं। वहीं शहर में निगम अधिकारी हाल ही में शहर की करोड़ों की बिल्डिंग को बनने के बाद तोड़ देते हैं। जब अवैध निर्माण हो रहा था, जब निगम अधिकारी क्या कर रहे थे? निगम अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको अब कांग्रेस पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे और निगम अधिकारियों और BJP के पार्षदों के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस लगातार मैदान संभालेगी। शहर में आप लोग भी जागरूक पत्रकार हैं, सब समझते हैं कि शहर में किस तरह से अंदर नगरी चौपट राजा का माहौल है, किस तरह से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। पहले बिल्डिंग बनने देते हैं, फिर व्यक्तिगत हित के लिए नोटिस देते हैं, साबित नहीं होता है, जेब में पैसा नहीं आता है तो बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। ये कौन सा तरीका है? शहर के व्यस्ततम मार्ग में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, महीनों सालों लग जाते हैं उसको बनने में। जब तक आप आंख बंद करके सो रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि बनेगी उसके बाद तोड़ेंगे, या उसके लिए आप पैसे के लेने के इंतजार कर रहे थे? क्या चाहते हैं आप शहर का? इन्होंने खरीदी दुकान, इन्होंने कर रहा शोरूम, इनकी क्या गलती है? हल्ला बोल जो आपने किया है, क्या बिजली देते, क्या क्या कुछ होते हैं? देखिए, टैंकरों की अव्यवस्था, LED लगने को लेकर अव्यवस्था, नगर निगम के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, साफ सफाई हो रही नहीं है, शहर में गंदे पानी की समस्या और कुत्तों की समस्या, सारी समस्या और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, जो पग पग में पैसा लगता है, जो टोल टैक्स लगता है, उसको लेकर हमारा हल्ला बोले, और ये हल्ला बोल की शुरुआत है। 100% जो अधिकारी पैसे लेकर पकड़ा गया, हमारे जासूस सब दूर लगे हुए हैं, 100% उस अधिकारी का काला मुंह भी होगा और उस अधिकारी को गधे पे बैठा के घुमाएंगे भी, 100% बिठाएंगे। कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है उस हर अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो जनता के खिलाफ जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हम इंदौर शहर की जनता के लिए हमेशा लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। प्रदर्शन कर रही है निगम मुख्यालय पर, क्या कुछ विषय होंगे, आगामी रणनीतियां क्या होंगी कांग्रेस की? अरे 3 साल के बाद नहीं, कांग्रेस तो हर दिन सड़क पे दिखती है, चाहे शिवराज की सरकार के खिलाफ हो या नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, कांग्रेस का हर सिपाही सड़क पे दिखता है। अभी चिंटू चौक से हमारा नया नेता प्रतिपक्ष बना है, विनय बागलीवाल जी शहर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये जंगी प्रदर्शन हल्ला बोल का, भाजपा के भ्रष्टाचार, ये जो नया महापौर बना है, इस आदमी का विजन धरती पे विजन नहीं है, ये आसमान की तरफ देखने वाला महापौर है। ये व्यापारी, उद्योगपति और बड़े लोगों के साथ बैठक करता है, बनने के बाद यदि उन गरीब बस्तियों में जाता है जहाँ पानी भर जाता है, हर साल 5-7 मौतें होती, वहाँ जाने के बजाय इनने व्यापारी, उद्योगपति और सरमाएदार लोगों से मिलने का 1 सप्ताह काम किया है, और उस 1 सप्ताह के बाद जो बाढ़ आई है शहर के कोने कोने में, इतना पानी भर गया कि गरीबों के घर तहस नहस हो गए, उनके अनाज सारी चीज़ बह गई, तो एक विजन वाला आदमी नहीं है ये। इसलिए जो इनके नाक के नीचे अधिकारी बैठे, BJP के जो पार्षद हैं, ये जगह जगह नोटिस दिलवा रहे हैं बिल्डिंगों को, ताकि 10-20 लाख मिल जाए और नोटिस वापस हो जाए। अभी का उदाहरण है नीलू पंजवानी की बिल्डिंग तोड़ी गई, 2 साल से बन रही थी, क्या अधिकारी नगर निगम के अंधे हो गए थे? इसका मतलब है कि उनकी जेब में पैसा नहीं आया। नीलू पंजवानी हालांकि BJP का व्यक्ति है, तमाम बड़े नेताओं ने अधिकारियों कि भाई
लेकिन वह जेब में पैसा है। इंदौर नगर निगम का मैंने अपने भाषण में कहा कि बीजेपी का नेतृत्व इंदौर का नपुंसक हो गया है। नगर निगम के अधिकारी, कलेक्टर के अधिकारी इनके सुनते ही नहीं हैं। तो ये भ्रष्टाचार की कहानी चलने दीजिए। हमने कार्यकर्ताओं का, तुम भी जागो, इन अधिकारियों को भी जगाते। टाइम न्यूज़ देखिए अब